आगे बढ़ते हैं और एक कंपनी पे फोकस करते हैं और वो है एलएनटी। दरअसल एलएनटी के मौजूदा एमडी एंड सीईओ एसएन सुब्रमण्यम को कंपनी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वो 1 अक्टूबर से नए चेयरमैन का कार्यभार जो है वो संभालने वाले हैं। इस मौके पर उनसे बात की है जी बिजनेस संवाददाता सुबोध मिश्रा ने। आइए एक बार सुन लेते हैं। जानना चाहूँगा कि अब आपके सामने कौन सी नई चुनौतियाँ रहेंगी, खासतौर से जब आपके पास एलएनटी का फ्लैग आ रहा है। सी इट्स लाइक दिस माय फ्रेंड, आई हैव बीन एज एमडी सीईओ फॉर द लास्ट फ्रॉम 15-16। फ्रैंकली आई हैव बीन इन्वॉल्वड विद ऑल द मेजर डिसीजंस, सम ऑफ द डिसीजंस हैव बीन माइन एंड दैट इज विद द सपोर्ट ऑफ मिस्टर नायक एंड द बोर्ड। सो इफ यू आर गोइंग टू आस्क मी बिकॉज़ आई बिकम चेयरमैन इज देयर सम न्यू डिसीजंस आई एम गोइंग टू टेक, that's a continuous process with the company. If there is a good opportunity, if there's something good that we need to do from a company's point of view, from a shareholder's point of view, we'll continue to do it. So there's nothing dramatic. I'm a boring CEO running a boring company. Maharashtra government green hydrogen policy बना रहा है और भी है और केंद्र सरकार से भी काफ़ी सब चीज़ों पर काम हो रहा है। कंपनी को लेकर के आप क्या, ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर क्या आगे फ्यूचर का क्या? We have thought through this entire chain. We are limiting ourselves to a few aspects of green hydrogen because L&T has been in the energy space काफ़ी समय से। हमारी ओर से हम इलेक्ट्रोलाइजर बना रहे हैं एक फ्रेंच कंपनी के टेक्नोलॉजी के साथ, मेक फे बोल के। IOC और रिन्यू के साथ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए और आगे देखेंगे और क्या स्पेस में अपॉर्चुनिटीज आता है, उसके मुताबिक हम डिसाइड करेंगे।